मुसाई परिवार के लोगों को विशेष समुदाय के दबंगों के द्वारा अत्याचार मामला अब राजनीतिक मुद्दा बना, जहां एक तरफ मुसाई परिवार अपने न्याय की आसपास आस लगाए सरकार की तरफ टकटकी लगाए बैठी है, वहीं कई इस मुद्दे को राजनीतिक ढंग से जोड़कर अपनी अपनी वाहवाही कर रही है। आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और उनकी पूरी टीम आज पलामू जिले के पांडू प्रखंड के मुरमातू गांव पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश विस्थापित महादलित समुदाय के परिवार वालों से मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने महादलित समुदाय मुसहर जाति के सभी लोगों से मुलाकात कर हर संभव मदद करने का भरोसा भी जताया और उनके खाने पीने की वस्तुओं को उपलब्ध करवाया। साथ ही जिला प्रशासन से उनके एक निश्चित स्थान देने हेतु आग्रह किया। साथ ही हेमंत की सरकार और जिला प्रशासन पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अब महादलितों के साथ अत्याचार अच्छी बात नहीं है, इसके लिए वे रांची में विरोध प्रदर्शन करेंगे और केंद्र सरकार तक इन बातों को रखकर पीड़ित परिवार वालों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। को बधाई देना चाहता हूं कि जब तकलीफ आया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां के विधायक ने आगे बढ़ करके इनकी सेवा करने का संकल्प लिया है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के माध्यम से समाज के ऐसे लोगों को, पीड़ित लोगों को, दलित लोगों को और अंतिम पायदान में जो बैठा हुआ उसकी सेवा करने का संकल्प जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनता उसी दिन को समझिया। पूरे प्रदेश में जामताड़ा में भी इसी प्रकार की घटना घटी थी, जमीनों को छीनने का काम किया था, वहां पर हम सब लोगों ने मिलकर के उस जमीन को वापस करने और करवाने का काम किया। पूरे प्रदेश में इस प्रकार की घटना घटी है और ये केवल यही का मामला नहीं है, ये मामला दिल्ली तक जाएगा, दिल्ली के लोकसभा और राज्यसभा में यह मामला गूंजेगा। और साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि विधानसभा वही होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ उपस्थित है, वो भी वहां पर अपने विरोध को दर्ज करेंगे और सरकार को अपने चेहरे दिखाने का काम करेंगे। इतना नहीं, इस मामले को हम सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी गरीबों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं और वो अनुसूचित आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, यहाँ पर भी मामला जाएगा और वहां से भी टीम केंद्र से आएगी और इनको न्याय मिले इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में संघर्ष करेगी।